बन के लाउंदा जो दरियावां विच तारियां जिहड़ा काम कहे उह करके दिखाउंदा ए गभरू ने फड़क दे फौकियां नहीं मारियां नित थप्पां नाल भेड़ हुंदी गभरू जवान दी टॉप दे आ बंदियां नाल जीदी उठणी बैणी है उस्ताद जी दी मैं गल करदा पिंड बोलणी टिकाणा यार दा ते नाम कमलप्रीत सैणी है नाम कमलप्रीत सैणी है लव यू अपना ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਰ ਸਕਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਅਗਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਔਰ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਨੇਕ ਕੈਚਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਨੇਕ ਕੈਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2017 ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ सत श्री अकाल मैं हाँ अविनाश शर्मा अज पंजाब टीवी तुहानू ऐसे टैलेंट नाल मिलान जा रहा है जिसने अपना टैलेंट अपने तक ना रखते हुए लोगों की सेवा दे विच भी अपने टैलेंट नू लगाया है आओ तुहानू दिखाते हैं राकेश राणा की स्पैशल रिपोर्ट सत श्री अकाल तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी न्यूज़ ते मैं हाँ राकेश सिंह राणा जी मैं कि साडी हमेशा ही कोशिश रहिंदी है कि असी अपने स्रोतियां नू अजिहे शख्सां नाल मिलाइए जो कि अपने इलाके दे बिलोंग करदे ने ते उहनां दे विच इक मल्टी टैलेंट है जां स्टार ने ते पर इस बार असी जो तुहानू मिलाण जा रहे हैं अजिहे शख्स नाल मिलाण जा रहे हैं जिस दे विच मल्टी टैलेंट दी असी गल करिए तां सब तो पहला उह स्विमिंग दा इन्ना माहर है कि हथ पैर बन के चाहे उसनू पानी दे विच उतार दो चाहे खूह दे विच उतार दो ते अपने काम दे विच बिल्कुल परफेक्ट है दूसरी असी जे गल करिए स्नेक रेस्क्यू दी तां स्नेक रेस्क्यू दे विच भी वह एक तरह का मास्टर बन चुकया है ते उस व्यक्ति का नाम है कमलप्रीत सैणी ते नंगल दे लागे पिंड गोलनी दा वसनीक है ते सब तो पहला तुहानू मिलावांगे कमलप्रीत सैणी नाल कमलप्रीत जी तुहाडा सब तो पहला स्वागत है पंजाब टीवी न्यूज़ ते हाँ जी मेरे वालों दर्शकों सत श्री अकाल ते कमलप्रीत जी सब तो पहला असी जानना चाहवांगे तुसीं इस प्रोफेशन दे विच आए हो स्विमिंग कर दे हो कित्थों तुहानू इंस्पिरेशन आई है कि मैं स्विमर बनांगा इस तरह दे जो काम तुसीं कर रहे हो कि मैं काम शुरू करांगा किवें दिमाग दे विच आया है मेरे फादर साहब पहला गोताखोर का काम करते थे बचपन तो ही असी अपने फादर साहब के नाल जाते स्विमिंग करने वास्ते तो उस तो बाद फिर फादर साहब गोताखोर का काम करते कदे कदे असी भी उन्होंने डेड बॉडियां कढ़न लई जाण लगे फिर उस तो बाद गोताखोर का काम मैं पिछले 10 साल तो कर रहा फादर साहब के नाल कीता पहला 1-2 साल तो 8 साल तो मैं खुद ही कर रहा यह मेरा भरा गा ये भी मेरे नाल 5 साल तो गोताखोर का काम कर रहा एक मुंडा होर सीगा साडे नाल विकास राजपूत उन्हें 4 साल काम किया हुण वह बाहर चला गया दुबई दे विच हुण मेरी टीम दे विच एक मुंडा जी खली दी अकैडमी दे विच आया ये मेरे नाल 4 महीने तो ट्रेनिंग लै रहा गोताखोर की तो ये गोताखोर की ट्रेनिंग लै रहा 4 महीने तो मेरे नाल इन्हां नूं भी मैं ट्रेन कर देना और मेरे नाल होर भी 10-12 मुंडे जिहड़े हैगे ट्रेनिंग लै रहे गोताखोर की मेरे नाल जिहड़े मुंडे गोताखोर की ट्रेनिंग लै रहे वो मतलब इन्हें एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हड़ां दे विच ते डेड बॉडियां कढ़न विच बहुत माहिर है तो 2-3 मुंडे मेरे नाल स्नेक कैचर की भी ट्रेनिंग लै रहे आने वाले समय दे विच मैं उन्हां नूं ट्रेन करके प्रशासन की हैल्प करांगा जिथों तक मेरे तो हो सकता कमलप्रीत जानना चाहवांगे तुसीं स्विमिंग दे विच आए हो सब तो पहला कोई भी आपां काम करना होवे सीखण दी जरूरत पैंदी है जे सीखण दी गल करिए तां तुसीं मुढ़ली जिहड़ी सिख्या है इसदी स्विमिंग दी कित्थों लई है ते किद्दां शुरुआत कीती है तुसीं सब तो पहला ट्रेनिंग मैं अपने फादर साहब जी तो लई उस तो बाद फिर फादर साहब तो ट्रेनिंग लैण तो बाद फिर बाकी अगे जदों असी काम करना शुरू कर दिता फिर प्रैक्टिस ही ऐनी हो गई कि असी इस काम च माहिर हो गए और स्नेक कैचर की ट्रेनिंग मैं केरला दे विच मार्शल आर्ट दे स्कूल दे विच लई है 3 महीने लैण तो बाद फिर मैं पंजाब च पिछले 7 साल तो और 2-3 साल मैं केरला दे विच स्नेक कैचर का काम किया
जे स्विमिंग की गल करिए सब तो पहले असं स्विमिंग टॉपिक की गल करते हैं। मल्टी टैलेंट है थोड़े भी असं दर्शकों पहले ही दस्या है। स्नेक वाली असी सैकेंड ऑप्शन रखते हैं, पहला असं गल करांगे स्विमिंग की। स्विमिंग दे विच जदों हड़ आते हैं तो तुसी लोगों की मदद करते हो, किस प्रकार थोनों बुलाया जाता है, प्रशासन वालों बुलाया जाता है या पिंड वासी बुलाते हैं? जे बुलाते भी ने तो की थोनों उसका पे आउट देना पैंदा है या किस तरह तुसी करते हो काम? हड़ां दे विच सानू प्रशासन वालों तो नहीं बुलाया जाता, मगर जदों सानू पता चलता ना कि किते बंदे फसे हुए है तो असी खुद ही चले जाते, बुलाया किसी वालों नहीं जाता। हुण पिछले साल भी साढ़े इत्थे हड़ आए सी, 15 बच्चों की जान बचाई असी, तो हड़ां दे विच सानू सिंझां दे विच सम्मानित भी किया गया। यह हड़ां दे विच बंदे बचाण ते उन्हां नू जो समान की लोड़ है उन्हां नू असी पहुँचा देंदे, फिर दरिया दे विचों जाके उन्हां नू जो भी चाहिए पहुँचा देंदे, उन्हां दे समान की जो भी उन्हां दा डुबण वाला समान हुंदा पशु हुंदे उन्हां दी फिर रक्षा करन दे विच असी खुद ही चले जाते। दरियावां की गल करिए दरिया के जो भाखड़े तो पानी आ जाता है या सुआं का पानी आ जाता है तो उस वेले बहा इन्ना हुंदा है, क्योंकि पानी आम बंदा देख के पानी दे विच तो जाता नहीं है, तो तुहाडे विच हौसला कित्थों आता कि इन्ने बहा दे विच आपां जाके रेस्क्यू करांगे? मैं 10 साल तो काम कर रहा, इस काम च मैंने एक्सपर्ट हो गया कि मैं जे मतलब हाथ पैर बिना बन्ने खुले हत्था पैरों नाल तरना हो तो मैं 15 किलोमीटर तक तर सकता लगातार, और अगर हाथ बन के तरना हो तो मैं 8 किलोमीटर तक तर सकता, हाथ और पैर बन के 3 किलोमीटर तक साढ़े तीन किलोमीटर तक तर सकता। इसलिए साढ़े मेरा स्टैमिना इन्ना बढ़ चुका है कि पानी चाहे जिन्ना मर्जी होवे हड़ होवे मैं ये पता कि मैं 15 किलोमीटर तक तर सकता, चाहे वह पानी की रफ्तार किन्नी भी तेज़ क्यों ना हो। तो टैलेंट की गल करिए थोड़े बच्चे जो टैलेंट है बिल्कुल अलग टैलेंट है, कदे तुसी कोशिश नहीं की कि साडा जो टैलेंट है इसनों मैं निखार, क्योंकि टीवी शो इन्ने चले हुए है तुसी कदे इस तरह ट्राई नहीं किया कि टीवी ते जाके जिस तरह शो चलते पे ने उन्हां भी जाके मैं पार्टिसिपेट करा? नहीं, मैं एप्लीकेशन दित्तियां कि अगे आने का मैं बहुत कोशिश की, अखबारों के बहुत बार मेरी न्यूज़ आ चुकी है, डेली पोस्ट अपना सॉरी PTC ते भी आई सी, तो मैं कई बार एप्लीकेशन नौकरी वास्ते या फिर ओलंपिक दे विच जाण वास्ते दित्तियां, मगर प्रशासन वालों कोई हैल्प नहीं की गई मेरी कि मैं किसी अकैडमी के भेजा जाए ता कि मैं अपने हुनर नू फिर दुनिया नू दस सकां अगे जा सकां जां फिर गोल्ड मैडल लेके आ सकां इंडिया वास्ते। हाँ बिल्कुल, जे थोनों कितें चांस मिलदा क्या इंडिया वास्ते तुसी गोल्ड मैडल लेके आ सकते हो? हाँ जी, अगर मैंने चांस मिले मैनूं मौका दिता जाए अकैडमी दे विच भेजा जाए तो मैं इंडिया वास्ते गोल्ड मैडल लेके आ सकता, बस मैनूं 1.5 साल की प्रैक्टिस की लोड़ है ता कि मैं अगे जाके फिर गोल्ड मैडल लेके आ सकां। क्या परिवार के थोड़े हालात अजिहे नहीं है कि तुसी खुद जाके अकैडमी च जाओ तो खुद उत्थे ट्रेनिंग लो, इस तरह नहीं हालात थोड़े फैमिली के? नहीं, साड़ी फैमिली के हालात खेतीबाड़ी का काम करते, जमीन भी साढ़े को घट है तो अगे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता, इन्ने पैसे नहीं है साढ़े को कि असी अकैडमिया के उन्हों की फीस भर सकी, अगर प्रशासन हैल्प करे तो सानू अगे असी जा सकते, नहीं तो साडा जिहड़ा टैलेंट है इत्थे ही रह जाना नदियों के। तो कमलप्रीत ये भी जानना चाहवांगे कोई भी असी काम करते हो स्टैमिने की जरूरत पैंदी है तो इस लिए एक प्रैक्टिस की भी जरूरत पैंदी है, तो प्रैक्टिस तुसी किस तरह करते हो, कितना समय प्रैक्टिस नूं तुसी दिंदे हो? प्रैक्टिस मैं दिन दे विच 2 घंटे प्रैक्टिस करता हुंदा, अगर मैं नदी दे विच नहीं आ सकिया पानी दे विच तां कदे कदे सर्दियों नूं नहीं आ हुंदा हैगा तां सवेरे उठ के मैं रनिंग करदा 3 या 4 किलोमीटर तक रनिंग करदा, तां कुछ वजन नाल लेके 10-15 किलो 20 किलो वजन चक के भी रनिंग करनी पैंदी मैनूं, तो रस्सा चढ़न दे विच मैं 10 बार 20 फुट रस्सा उपर नूं चढ़दा 10 बार चढ़दा दिन दे विच, तो उहदे नाल मेरा स्टैमिना बनिया रहिंदा तो फिर मैं फिर कोई दिक्कत नहीं आती कदे भी, फिर मैं जा सकता कि भी। तुसी कदे इस तरह भी कोशिश की है फिजिकल तुसी फिट हो कि आर्मी दे विच ट्राई किया जाए या पंजाब पुलिस दे विच भी ट्राई किया जाए, क्योंकि जिन्हां दे विच टैलेंट है उन्हां नूं तां पहल मिलदी है? पंजाब पुलिस दे विच असी 1-2 बार एप्लीकेशन दित्तियां थाने दे थ्रू कि फिर उन्हां दा एप्लीकेशन दा सानूं कुछ इन्ना कुछ खास जवाब नहीं आया हैगा ना सानूं मौका दिता गया। अगे आर्मी दे विच मैं 2-3 बार ट्राई किया पर MHA पैन करके फिर अगे मैं नहीं हो सकिया जी। बिल्कुल कमलप्रीत, बड़ी मेहनत की जरूरत होंदी है इस टैलेंट तक पहुँचने की। दूजी असी जे गल करिए स्नेक्स रेस्क्यू की, स्नेक रेस्क्यू एक बड़ा ही खतरनाक है, थोनों किवें आया कि स्विमिंग दे नाल नाल मैं आपां स्नेक रेस्क्यू भी करांगे? मैं 8-10 साल पहला केरला दे विच स्नेक कैचर दे कोल एक ट्रेनिंग ली सी, स्नेक कैचर दे कोल ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਨੇਕ ਕੈਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2000 ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਨੇਕ ਕੈਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਨੇਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ
घर दे विच तां उत्थे उन्हां नूं बहुत दिक्कत हुंदी, बच्चियां नूं फिर खतरा हुंदा। फिर असीं इहदे नाल नाल ही इह फिर भलाई दा काम शुरू कीता कि चलो जिहड़े स्नेक गए उन्हां नूं बचाया भी जा सके, क्योंकि इह पर्यावरण नूं ठीक रखदे, फसलां दे विच चूहिआं नूं मार दिंदे, खा लैंदे। तां फिर इहनां नूं बचाउण वास्ते असीं फिर इह काम शुरू करता स्नेक कैचर दा। मैं पिछले 7-8 साल तो स्नेक कैचर का काम कर रहा, 2 बार मैनू कोबरा बाइट भी हो चुकी, 1 बार कॉमन क्रेत बाइट हो गई, तो 2-3 बार नॉन पॉइजन स्नेक जिन्हां विच जहर नहीं हुंदा, साडे कोल वीडियो भी है उन्हां दी पईआं होईआं, तो कई बार बाइट होई तो फिर पर फिर भी असीं लोकां दी हैल्प कर रहे, खतरे का काम है फिर भी हैल्प कर रहे। किस तरह तुसीं फिर खुद नूं किस तरह सरवाइव किया जदों कोबरे ने तुहानूं बाइट कर ली, फिर की किया तुसीं मुढ़ले? कोबरा जां फिर कोई भी स्नेक जहरीला, कॉमन क्रेत, रसल वाइपर, कोबरा कोबरा जां फिर कोई भी जहरीला स्नेक अगर बाइट करे तो कदे भी मणका लगाने के चक्कर च मैं कदे नहीं पिया है, मैं होस्पिटल जाके एंटीवेन इंजैक्शन लेके ही मैं अपना इलाज करवाया जी। बिल्कुल, इस दे नाल ही जो हुण तक की गल करिए, कदे इस तरह होया कि जीव विभाग हुंदा जिहड़ा जंगली जानवरों का, उन्होंने भी थोनों बुलाया होवे रेस्क्यू वास्ते, क्योंकि साडा जो इलाका है नीम पहाड़ी एरिए दे विच आ जांदा है, स्नेक्स वगैरह बहुत ने, कौन कौन थोनों बुलांदा है रेस्क्यू दे लई? हाँ जी, वन विभाग वल्लों इह पट्टी जी है शुआल अकैडमी तो पट्टी, वह मेरे नाल जुड़े हुए, तो उन्होंने मैनू बहुत बार कॉल की, तो नंगल वन विभाग तो भी मैनू कदे कदे कॉल आई, स्नेक कैचर जो स्नेक पकड़न वास्ते नंगल साइड जाते घर नंगल साइड जो बढ़ जाता तो वो मेरे मैनू फिर फोन कर दे, फिर मैं उन्होंने कई बार हैल्प की वन विभाग की जी। बिल्कुल, एक क्वेश्चन तौर पर पूछना सानू रह गया, जो तुम स्विमिंग के लिए एक वीडियो भी बनाई है, तुम 8 मूवमेंट के तैर हो, हाथ बन के, पैर बन के, पूरा शरीर बन के तुम तैरते हो, उस दे लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पई है थोनों ये इवेंट करने लिए, क्योंकि इस तरह के जो इवेंट है अक्सर ही टैलीविजन से या फिल्मों देखने को मिलते हैं, किमें दिमाग के आया, कितनी प्रैक्टिस थोनों करनी पई है, थोड़ा डिटेल के दसो सानू। पिछले साल साडा ये इंटरव्यू हुई सी, उहदे विच ना मैं हाथ बन के एक मतलब उन्हां नूं इंटरव्यू दिता हाथ बन के, फिर थले कमेंट आने लगे कि इन्हां ने मतलब बोलिया सीगा उन्हां ने PTC वाले ने कि हाथ पैर बन के, एक मेरी अखबार च खबर लगी उहदे विच लिखा सीगा कि हाथ पैर बन के तैरने में सक्षम, तो विच कमेंट आने लगे मैंने लोगों के कि इहदे विच पैर तो बन्ने होए नहीं है, इहदे विच तो सिर्फ हाथ ही बन्ने होए है। फिर उस समय मैं सोचा कि मैं अगले साल जो मेरा इंटरव्यू होना तो मैं इन्हां 13-14 महीनों च इन्नी प्रैक्टिस करनी कि मैं हाथ पैर बन के तरन लई परफेक्ट हो जावां। फिर मैं पिछले 14 महीने तो हाथों के नाल पैर बन के तो वह प्रैक्टिस करन लई मैनूं हुण 14 महीने लगे, तो हुण मैं हुण वीडियो अपनी एक अपलोड की, तो आने वाले समय में मेरा टैलेंट इस तो भी शायद बढ़ जाए। तो लोगों ने ही प्रेरित किया थोनों इस तरह करने वास्ते? हाँ जी, लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मैनू बहुत प्रेरित किया कि अगर हाथ पैर बन के तू ये कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो शायद सरकारां तेरियां सुन लवे, क्योंकि मैं पहला बहुत कोशिश की थी, मेरी नहीं सुनी, तो फिर मैनू ये बहुत प्रैक्टिस करनी पई, दिन रात एक करना पिया, पिछले 13-14 महीनों तो मैं प्रैक्टिस कर रहा, फिर मैं इत्थों तक हो सकया, इन्नी प्रैक्टिस की कि मैं हुण ये पूरी तरह ट्रेंड हो चुकिया, मैं 3 किलोमीटर हाथ पैर बन के 3.5 किलोमीटर तक जा सकता, और कल्ले हाथ बन के मैं 8 किलोमीटर तक स्विमिंग कर सकता। कदे इस तरह भी है जिदा कोई लोकल चैलेंज हुंदा है, कंपीटीशन हुंदा है, उन्हां कंपीटीशन च तुसीं पार्टिसिपेट कीता? नहीं, कंपीटीशन च पार्टिसिपेट नहीं कीता, मैनूं कदे मौका ही नहीं मिलिया हैगा जी पार्टिसिपेट करन दा। कमलप्रीत, तुसीं प्रैक्टिस भी करदे हो, इस अपने काम दे विच सक्षम भी हो गए हो, क्या इस तरह भी तुसीं उपराला करदे हो कि असीं होर जो नौजवान है उन्हां नूं भी ट्रेंड करिए, वह भी अगे आ के इस तरह का अपना जो टैलेंट है दिखा सकन? मैं पिछले 10 साल दे विच लगभग 150-200 मुंडे नूं चंगी तरह स्विमिंग सिखा चुकिया, उन्होंने चंगी तरह ट्रेंड कर चुकिया, कुछ मुंडे मेरे नाल इत्थे ट्रेनिंग करन आंदे सीगे, उन्होंने ट्रेंड करके कुछ मुंडे 10-12 मुंडे आर्मी दे विच भी हन, तो हुण भी मेरे को 10-15 मुंडे जिहड़े हैगे ओह स्विमिंग सीखण वास्ते आंदे है। ये मेरे नाल जिहड़े मुंडे है, ये मेरा भरा है, मेरे नाल 5 साल तो गोताखोर का काम कर रहा, यह फुल ट्रेंड है, तो यह मुंडा खली दी भाजी दी अकैडमी दे विचों हुण 4 महीने तो साडे कोल आया है, तो इन्हां नूं हुण असीं थोड़े टाइम दे विच ट्रेन कर देना जी। बिल्कुल, तुसीं कमलप्रीत तो टिप्स लै रहे हो किस तरह स्विमिंग करनी है, किस तरह रेस्क्यू करना है, थोनों किमें आया दिमाग च कि आपां ये काम शुरू करिए? जद दा लॉकडाउन होया है उदों दा साडी ट्रेनिंग भी रैसलिंग दी बंद हो गई सी, तो मैं ये डिसीजन लिया कि चलो फ्री बैठे आ कुछ ना कुछ सीखिए, तो मैनूं कुदरती मेरे बाई जी मिले कमल भाई, तो मैं इन्हां तों स्विमिंग सीखण लग्गिया, तो हौली हौली यह अहसास होया कि चलो कुछ ना कुछ करिए फ्री टाइम च। ठीक है, तो इन्हां दी जदों प्रैक्टिस करवाते हो किस तरह, मतलब आप गल करिए अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रैक्टिस करते हो, या किस तरह स्टार्टिंग किस तरह करते हो, कितना टाइम हो गया तुहानूं करदे नूं?
करदे नूं जी हो गए जी 4 महीने प्रैक्टिस। सवेरे उठ के दा वैसे मैं अपना अलग शेड्यूल है मेरा, रैसलिंग वर्कआउट दा शेड्यूल है। कार्डियो करते जिस विच पुशअप्स स्क्वाट्स स्टैमिना वास्ते असी वर्कआउट करते हैं। पानी पहले तैरना आंदा सीगा जां हुणी स्टार्टिंग कीती है तुसी? पहला सी मेरा बर्थ कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई च। असी सी बीच जिहड़ी बाउंड्री लाइन होंदी है वह भी क्रॉस कीती है विदाउट जैकेट विद जैकेट भी, ते पहला करदे आ रहे स्विमिंग जी। बिल्कुल एक बार थोनों दिखा दिए कि जो कमलप्रीत दी टीम है बिल्कुल साढ़े सामने खड़ी है। कमलप्रीत एक अजिहा व्यक्ति है जो कि नंगल दे लागे गोलनी पिंड तो बिलोंग करता है। पिछले 10 साल तो लगातार स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, तो अज इस मुकाम ते पहुँच चुकया है कि लगातार इस तरह के ऑपरेशन कर रहा है। चाहे दरिया की गल करिए, चाहे नहरों की गल करिए, चाहे तेज़ पानी की गल करिए, उस जगह उत्ते जाके रेस्क्यू करता है, तो लोगों की मदद लगातार कर रहा है। प्रशासन का इसनों अजे तक कोई सहयोग नहीं मिले, तो पंजाब टीवी न्यूज़ वालों भी असी कोशिश कर रहे हैं कि अजिहा टैलेंट नूं अगे लैके आईए ता जो सरकार ते प्रशासन तक असी इन्हां दा टैलेंट पहुँचा सकीए। तो अजिहे नौजवान जो लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं उन्हां नूं उन्हां दी मेहनत का उचित मुल मिल सके। असी तुहानूं हुण कमलप्रीत दी उह तस्वीर दिखाण जा रहे हैं जिस दे विच उसने अपने पूरे शरीर नूं रस्सी नाल बन्ह के पानी दे विच तैरिया। तुसीं वेख सकदे हो कि पिछले लगभग 1 किलोमीटर तो अपने हाथ पैर बन्ह के तैर के कमलप्रीत आ रहा है, तो उसके नाल उसका ब्रदर है वह भी उसके नाल है। एज ए सपोर्टिंग परसन की गल करिए उसकी मदद नाल की जा रही है, पर फिलहाल दूर तक अभी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 1/2 किलोमीटर होर दूर तक हाथ पैर बन्ह के तैरता होया कमलप्रीत जा रहा है। असं अपने स्रोतियों को अपील करते हैं कि इस तरह के जो खतरनाक स्टंट है अपने घर के विच जां पानी के विच करने की कोशिश ना करो, क्योंकि अजिहे स्टंट करन दे लई कम से कम 1.5 या 2 साल की प्रैक्टिस कमलप्रीत ने की हुई है। विदाउट प्रैक्टिस ते नाल उस दे नाल सपोर्टिंग टीम की गल करिए ते नाल ही जो माहिर ने इस दे विच डाइविंग दे लई उन्हां दा होना मौजूदगी बहुत जरूरी होंदी है, जिस दे चलदे होए इस तरह के जो खतरनाक स्टंट है खतरनाक एक्टिविटी है ये की जाती है। असीं एक बार फिर अपील करते हैं अपने स्रोतियों इस तरह के स्टंट करने की कोशिश ना करो। तो असी अज जो कमलप्रीत बारे दिखा रहे हैं, कमलप्रीत अजिहा शख्स है जो लगातार पानी दे विच अपने टैलेंट दिखा रहा है, तो लोगों की मदद कर रहा है। पर कितना कितने जो पानी का बहा तेज़ हुंदा है जां पानी डूंघाई विच जाना हुंदा है तो उस समय पानी दे विच जाण दे लई काफ़ी समस्या का सामना जरूर करना पैंदा है। कमलप्रीत जानना चाहवांगे जदों इस तरह का सिचुएशन आती है तो किस तरह हैंडल करते हो, तो किस प्रकार की तुहानूं जो मुश्किल है उसका सामना करना पैंदा है? मैं पिछले 10 साल तो गोताखोर का काम कर रहा और हुण तक असी 470 लगभग डेड बॉडियां नूं रिकवर करके लोगों नूं उन्हां दी फैमिली नूं दे चुके हैं। ये 10 साल के कैरियर दे विच साढ़े कोई अपनी यूनिफॉर्म नहीं है, तो किराए ते यूनिफॉर्म लेके आनी पैंदी, तो फुल यूनिफॉर्म साढ़े कोल नहीं है। बहुत बार असी प्रशासन नूं भी हैल्प करन लई बोलिया मगर कितों सानूं कोई हैल्प नहीं मिली। डाइविंग यूनिफॉर्म की लोड़ सानू ते साडी टीम नूं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जदों कदे कोई बंदे दी डैथ हुंदी ओह पानी दे विच डुब जांदा तां पहले 7-8 घंटे तक डैड बॉडी थल्ले बैठ जांदी, बैठण करके फिर उस समय अगर 7-8 घंटे दे विच डैड बॉडी अगर लभ जावे तां फिर आसानी हो जांदी। अगर 7-8 घंटे विच साडे कोल कोई डाइविंग यूनिफॉर्म ना होवे, कोई साडे कोल सहूलत ना होवे, फिर डैड बॉडी अगे निकल जांदी, डैड बॉडी अगे निकल जाती, निकलन करके वो फिर उठ के अपनी स्पीड फट लैंदी। फिर 4-5 दिन तो बाद जो डैड बॉडी मिलती तो फिर वो कंडीशन बहुत खराब हो जाती। साड़ी तो प्रशासन नू जां फिर जो समाज सेवा करते लोग है जो कोई अगर तो पहले जानना चाहवांगे कोई इस तरह का हादसा भी हो जिस तरह तुसीं सानूं पहले दस्सा है उहदे बारे भी दस्सो। हाँ जी, मेरे नाल एक मुंडा रोपड़ का सीगा सन्नी गोताखोर, तो एक साथी सीगा मेरी टीम के ही सीगा, तो एक हैप्पी गोताखोर। सन्नी तो हैप्पी दोनों कदे कदे मैं बहुत बार उन्होंने मेरी हैल्प की डैड बॉडियां कढ़न दे विच, तो वो जिहड़ा सन्नी सीगा मुंडा उहदी पिछले साल डैथ हो गई, फुल यूनिफॉर्म ना होण करके उहदी डैथ हो गई। तो ये काम इन्ना खतरनाक हुंदा ना कि अगर साडे कोल थोड़ी जी मिसटेक हो जाए तो साडी जान जा सकदी, पर अगर साडे कोल फुल यूनिफॉर्म होवे साडे कोल पूरा सामान होवे तां फिर उहदे विच साडी बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो सकदी। थोड़ा डिटेल च दसो वो हादसा किद्दां होया सीगा? वो मुंडा इहदे पानी दे विच वर्क करदा सीगा, तां वर्क करते समय सन्नी गोताखोर दे कोल फुल यूनिफॉर्म ना होण करके वो उपर नहीं आ सकिया, उपर नहीं आ सकिया, फिर पानी दे विच ही फुल यूनिफॉर्म BCD किट ना होण दी वजह नाल वो मुंडे दी डैथ हो गई।
ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1-1.5 ਲੱਖ ਦੇ 1,20,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 3 mm ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਮਗਰ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ BC ਕਿੱਟ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਕੇਸ਼ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ TV ਨਿਊਜ਼, ਨੰਗਲ ਡੈਮ।